अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम ख़त करने जा रहे हैं वालदा के नाम ख़त इम्तहान के नतीजे की इत्तला देने के लिए, ठीक है। अगर आप घर से बाहर कहीं पे रह रहे हैं और आपने अपनी वालदा को ख़त लिखना है और उनको बताना है कि आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के बारे में इम्तहान जो हुए आपके हुए हैं उसका क्या नतीजा निकला है, उसकी इत्तला देने के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में आ जाता है तब भी हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपने शहर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्यारी अम्मी जान, जिसको भी आप खत लिख रहे हैं उसको मुखातिब करेंगे यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं पहली जमात में पास हो गया हूँ, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। आप जिस भी क्लास में पास हुए हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस खुशी के मौका पर मैं आपकी तरफ से खसूसी तोहफे की तवक्को रखता हूँ, जैसे कि सब बच्चों को उम्मीद होती है कि हम अच्छे मार्क्स लेंगे तो हमें गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है, इनाम भी मिलेगा, और ऐसा होता भी है। आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तमाम अहले खाना की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज करें। आपका प्यारा बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। आपकी प्यारी बेटी भी आप लिख सकते हैं अगर आप लड़की हैं तो, अगर आप लड़का हैं तो आपका प्यारा बेटा, और नीचे अपना नाम, ठीक है। और अगर आप इम्तिहान में ये लिखने के लिए आ जाता है तो आप फर्जी नाम भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक आज का हमारा खत था। आई होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।